लव आपके लिए सवाल है, लेकिन सर्व सवाल के पहले अगर एक बार पब्लिक डिमांड पे यू नो सिस्टम अगर हो जाए तो थोड़ा मजा आ जाएगा। लव आई सिस्टम। तो ये सवाल ये है, दोस्ती की अगर हम बात करें तो यू नो जो विशाल वाला मैटर हुआ था, जो अरमान वाला मैटर हुआ था, जो थप्पड़ वाला मैटर हुआ था, जो आपको लगता है कि वो वॉयलेंस जो हुआ था वो जस्टिफाइड था? आपने उस वक्त विशाल को तो गलत कहा, वहाँ तक आप फाइन थे, बट जब आप अंदर गए थे कन्फेशन रूम में, वहाँ पे आपने इस पूरे मैटर को स्पेशल केस करके यू नो कह दिया था, डू यू फील कि वो जस्टिफाइड था, वो सही था, या आप वहाँ पे गलत हो गए? ये पूरे मैटर पे अगर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, पहली बात तो मैं स्टार्टिंग से एंड तक की बताता हूँ आपको, जितना भी मैंने उसको जज किया वहाँ पे या बाहर, मैं विशाल को गलत मान रहा था, मैंने उसको भी वही कहा। फिर हनुमान जी ने मेरे से किचन में पूछा कि अगर तेरी कोई बहन बेटी के साथ कोई ऐसा कर दे तो क्या करेगा, तो मैंने सीधा सीधा बोला कि भाई मैं तो रैप्टा मारूंगा। पर उसके बाद ही वो सब छोड़ के चाय बना रहे थे, मैं यहाँ पर आया, विशाल थोड़ा सैड था, अनिल सर ने भी कुछ कुछ बोला था उसको, तो मैंने विशाल को भी बोला मका इसको ख़त्म कर एक बार, तेरे को पता है ना कि चल गलती भी ना अगर तेरी तरफ से तो एक बार जाके सॉरी मांग ले। इतने में फिर हनुमान जी आते हैं, सारा मैटर होता, तो वहाँ पे दोबारा हनुमान जी सोफे पे जाके बैठते हैं, मैंने कहा हनुमान जी आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। फिर बिग बॉस ने मेरे को रणवीर जी को और दीपक जी को बुलाया वहाँ पर, तो मेरे को ऐसा लगता है जो इनको थप्पड़ मारना था वो गलत था, बट विशाल को जो मैंने बोला था वो मैं अपनी जगह से उसको सही कह रहा था। जो मैंने फिर अंदर जो बोला है उस पर मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ, जो मैंने किया बिल्कुल मेरे दिल से किया और जो मेरे मन में था वही किया, मैं चेंज नहीं करना चाहता उस चीज़। हेलो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्टली, दिस इज़ मी अंबिका सिंह दिल्ली मसाला से। सो मेरा सवाल लवकेश आपसे है, जिस तरह से आपको घर में डीमोटिवेट किया गया झगड़े के दौरान, ब्लॉग बना रहे थे जब आप एल्विश से, मतलब ऐसा कहा गया कि आपकी कुछ आइडेंटिटी नहीं है एल्विश के अलावा, क्या ये जो जितना आपको डीमोटिवेट किया गया इसका असर आपको बाहर पड़ेगा आपकी दोस्ती पे, या घर में अभी मेंटल स्टेटस क्या है आपका? नहीं नहीं जी, दोस्ती तो मेरे लिए सबसे ऊपर ही है। मैंने विशाल को भी उस दिन बोला था कि मगर लाइफ बहुत बड़ी है, दोस्ती तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप अभी तो बिग बॉस तो चलो 30-35-40 दिन का होता, बाहर आप मेरे से मिलो बहुत लंबी लाइफ है, अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। रही बात मेरी और एल्विश की दोस्ती की, तो मेरे को प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, वो भाई हालांकि मेरे से एज में छोटा है पर औहदे और काम में बहुत बड़े हैं मेरे से, तो मैं आज उनकी इतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं शो से पहले करता था, और जब बाहर जाऊँगा जब भी उतनी ही करता रहूँगा, मतलब तो वो कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। मेंटल स्टेटस आपका कैसा अभी, जितना भी चीज़ें हुई आपके साथ घर में? मेंटल स्टेटस तो थोड़ा सा हिला सा पड़ा, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या ना हो रहा, कई अप्स देखे कई डाउन्स देखे, पर काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई हैं इस घर ने मुझे। थैंक यू जी। मेरा तो मानना ये है कि अगर मैं किसी के साथ मजाक करता हूँ और अगले वाला भी मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो मैं पूरा इतना सक्षम हूँ कि वो कितना भी मजाक कर दे, कितना भी डार्क, कितना भी ह्यूमरस, मैं उन चीज़ों को बड़ी लाइटली लेता हूँ। तो आई एक्सपेक्ट कि अगले वाले को भी अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, उससे इतना मजाक कर रहा हूँ, तो शायद वो मेरे लिए कुछ होगा जब भी मैं उसके साथ इतना मजाक कर रहा हूँ। हालांकि मैं कमी करता हूँ लोगों से, यहाँ लोग ऑफेंड जल्दी हो जाते हैं, तो देखो जी मेरे को तो बुरा लगता नहीं कि कोई मेरे को कुछ बोल ले। हाँ मतलब कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि भाई और मेरी एक बार झड़प हो गई थी, तो उस टाइम मेरा गुस्सा बाहर किसी और चीज़ पे था पर वो निकल यहाँ गया, समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ हो जाती है। और हम गलत नहीं बोलते, हमारे साथ ना हम लोग जैसे हमारा इस घर में 3-4 लोगों से, आई डोंट नो अबाउट लवकेश, और मेरी तो 3-4 लोगों से मतभेद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमसे आके पूछ नहीं रहा है कि हमारा साइड क्या है। यू नो ये लोग आपस में बात करके वो कर लेते हैं, एक परसेप्शन सेट कर लेते हैं, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरी साइड की स्टोरी भी तो आके सुनो, एंड देन यू सेट योर नैरेटिव और वट एवर। तो मुझे वो लगता है, जहाँ मैंने एक दो दफ़ा मैंने अरमान जी को भी बोला, मैंने कहा अगर आप में वो पेशेंस है तो आप प्लीज़ मेरे साइड का सुनिए। फिर बस मेरे को यही बोलना है कि हमारे साइड से भी सुनो कि क्या है, तो गलत सही हमने कभी ऐसा नहीं बोला, बट मेरा बस वही पॉइंट है कि आई डोंट नो अबाउट लवकेश, बट आई फील कि हमारी साइड की स्टोरी भी आप सुन लो तो बेटर रहेगा टू जज। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो मेरे को विशाल को समझाना था वो बिल्कुल समझ चुका है, इसलिए जब हमारी ये बात हुई थी कि इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं होगी, मैंने कभी भी उस नहीं उठाया, और जिस दिन हम तीनों के बीच में इलेक्शन था उसने स्टार्ट किया था, मैंने नहीं किया था, तो मैंने वहाँ पर क्लियर भी किया, इतना ही कहना मुझे। लव, मेरा एक सवाल आपसे है, अगेन वही भैया भाग्यशाली वाला इंसिडेंट उठाऊंगी। डोंट यू थिंक आपने वो इंसिडेंट और विशाल की दोस्ती बहुत कन्वीनियंस के ही हिसाब से यूज़ की, क्योंकि आपने कभी विशाल के लिए स्टैंड नहीं लिया, बट यार आपके लिए मैं तो डे वन से ही कह रहा हूँ, मैं तो दोस्ती कहता हूँ उसी का हूँ, जहाँ पे जो गलत मेरे को लग रहा है तो लग रहा है ना भाई, अब उसमें क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसा। अब जबरदस्ती कैमरे के लिए बोल दूँ कि नहीं भाई बहुत अच्छी बात कर रहा है तू, मैंने उसके मुंह पे भी कही, कैमरे पे भी कही, बार बार कही, तीसरी चौथी पांचवी बार भी कही,
और आगे से कभी नहीं बोली, जब किसी ने और बात करी जब भी बोली, आई ऑलवेज ट्राइड कि ये बात मैं खुद से ना करूँ, ठीक है, वो वाली बात भी हो या फिर कहीं और पे भी मेरे को उसकी बात अगर प्रैक्टिकल नहीं लग रही, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि वो आलसी हो रहा है या फिर तू टास्क में परफॉर्म नहीं कर रहा, मैंने ये सब चीज़ें भी बोली हैं और उसकी 100 तारीफें करूँगा वो चीज़ें नहीं दिखेंगी आप लोगों को, मैंने एक जगह उसकी गलती टोक दी वो दिख जाएगा, आप भाई दोस्त नहीं है, और इतनी जल्दी आपने दोस्ती नाप ली, जब कल गया जब तो नहीं देखा होगा आपने, मेरे दिल से पूछो ना क्या है, उसी के साथ मेरा कनेक्शन था, उसी की गर्ल सोए करता, उसी की गर्ल बैठे करता, यहाँ पे कौन है जिसके साथ मैं बैठता हूँ, कोई भी नहीं है ना, समझ रहे हो, तो दोस्ती कभी भी एक चीज पे जज मत करे करो, सारी चीजें ओवरऑल देखा करो। थैंक यू लवकेश, आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमेशा कहते हैं कि मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरी परवरिश काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन आप ये चीज़ कभी उनके फेस पे नहीं बोले, उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं किया इस बारे में। मैं रणवीर भाई को हमेशा, हालांकि वीकेंड के बार पे ही कह पाता हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि हम साथ बैठते नहीं, मेरे को कहीं ना कहीं रणवीर भाई की बहुत रिस्पेक्ट है, वो उम्र में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आए हैं, उनकी उम्र मतलब मेरे पापा जितनी होगी, तो रिस्पेक्ट पूरी है, पर कभी ना मेरे को ये लगता है कि रणवीर भाई भी उतनी बदतमीजी करती जितनी मैं अगर उनको लगता है मैं करता हूँ, तो हालांकि मेरा बनता है हक कि मैं आगे से जाके सॉरी बोलूं, पर उससे पहले मेरे को रणवीर भाई की थोड़ी सी शक्ल दिख जाती है कि ही सैड, तो मैं आगे से चला भी जाता हूं, पर फिर नॉर्मल चीज़ हो जाती है, फिर कोई टास्क या कुछ आ जाता है, फिर हमारे कुछ अनबन हो जाती है, तो दिल की चीज़ यही है कि रणवीर भाई मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, कभी ये मत मानना कि बदतमीज है, मैं अपने दिल से कह रहा हूं, वो बस इंस्टेंट निकलता है जो निकलता, बाकी तो सब चीज़ है, कोई चक्कर नहीं, वो चेंज भी हो सकता है अगर आप ध्यान दो तो। जी 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 ठीक है। मेरा सवाल लवकेश से है। लवकेश, विक्ट्री और ट्रॉफी को लेकर आप पहले दिन से काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आए हैं। लवकेश इज इक्वल टू एल्विश, ये हमें नज़र आ रहा है। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस आपका जो है एल्विश और आर्मी को लेकर है, उस वजह से आपको लगता है आप घर में अगर कुछ करो भी ना तो भी ट्रॉफी आप ही जीत कर जाएंगे? जी, तो मेरे हिसाब से शायद आपकी आप जिस तरीके से देख रहे हो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मैंने जब अपने दोस्तों यारों से पूछा जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ कि भाई ये मैं सना से बात कर रहा था परसों की, मगर मेरे पे सवाल उठा रहे ओवर कॉन्फिडेंस का, तुम बताओ तुम परफेक्ट रिव्यू दो, तो उसने मना करा, तो मैं अपने दोस्त की सुनूंगा रादर देन जो बाकी लोग बोल रहे हैं।